एचएचएलटी न्यूज में आपका स्वागत है। खम्मम सरकारी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को अपने उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। कॉलेज पुरानी कलेक्टर और अन्य विभाग कार्यालय भवनों की जमीन पर बना है। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव करेंगे। यही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोजन अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार कॉलेजी नारायण राव स्वास्थ्य विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक वर्ष में कक्षाएं शुरू करने के लिए तैयार है। प्रत्येक कक्षा के लिए 100 सीट उपलब्ध होगी। आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पुराने नागरिक आपूर्ति कार्यालय और ईवीएम गोदाम को संग्रहालय में बदल दिया गया है। जैव रासायनिक क्लिनिक, फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, उभयचार प्रयोगशालाएँ, विच्छेदन हॉल, वंग संख्या कक्ष, जैव रासायनिक और शरीर रचना विभाग पुराने आदिवासी विकास कार्यालय में स्थित है। लड़कियों के छात्रावास, कर्मचारी कार्यालय और सड़क निर्माण विभाग के पूर्व कार्यालय से बनाए गए थे। कॉलेज में साज सजा, कंप्यूटर उपकरण और लैब से संबंधित उपकरण सभी व्यवस्थित कर दिए गए हैं। अंतरिक्ष सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 27 सहायक प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सभी सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज ने नियुक्त किया गया है और वे सभी काम पर आएंगे। लगभग कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 166 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए गए। अस्पताल में उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के कारण पड़ोसी जिलों में जैसे महबूबाबाद, सूर्यापेट और आंध्र प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में मरीज खम्मम अस्पताल में इलाज की मांग कर रहे हैं। वही परिणाम स्वरूप खम्मम को पहले से बेहतर चिकित्सा के केंद्र के रूप में मान्यता मिल गई है और मेडिकल कॉलेज के खुलने के साथ ही जल्द ही चिकित्सा उद्योग का केंद्र बन जाएगा।